ऐसे प्रोजेक्ट चुनती हूँ जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट लगे, मुझे लगता है जो एक मैसेज बाहर तक पहुँच सकता है। मैंने हमेशा वैसे किरदार किए और फॉर्चुनेटली मुझे ऐसे ऑफर्स होते हैं। तो यहाँ पर इंडस्ट्री में काम करना है तो यू नो आपको हर तरीके का रोल करना चाहिए। और जैसे आप बोल रहे हैं मुझे ऑफर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो फ्रैंकली अभी मेरा पूरा फोकस आम्रपाली पे है, बिकॉज आम्रपाली इज़ कमिंग एंड मुझे लगता है कि उसमें ही मेरी बहुत सारी एनर्जी जाने वाली है। एंड आम्रपाली कैसा खुद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिए, डांसिंग स्किल्स चाहिए, तो मैं एक्चुअली सिर्फ अभी उसी पर टोटली फोकस्ड हूँ और देखते हैं आगे क्या। लेकिन आप मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो किरदार मेरे पास आते हैं मैं उन्हें अपने तरीके से मोल्ड करके बनाना चाहती हूँ स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जहाँ तक मणिकर्णिका की भी बात है, झलकरी बाई, शायद हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन आज शायद मणिकर्णिका की वजह से झलकरी बाई को सब जानते हैं। सो यू नो मुझे वो किरदार करने जो मेरे पास आया मैं उस पर अपना 100% दूँ एंड आई शुड बी जस्ट हियर फॉर ऑल ऑफ यू। जी अलग अलग तरीके, वो एपिसोड था एक, बाकी हाँ बाकी मैं वहाँ अपने आप को ही पेश कर रही हूँ खाना बना बना के। आगे अभी पता नहीं, अब देखते हैं आगे का क्या। अभी का पूछो क्या है। यस आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक अनिल सर हमारे टाइम पे भी बिग बॉस में आए थे और आई थिंक इज़ अ वेरी गुड विद एंटरटेनिंग पीपल। आई मीन वहाँ लोग जितने होते हैं वो ऐसा कोई होस्ट चाहिए जिनका सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक अनिल सर हैज़ दैट पावर, दैट अथॉरिटी, वेयर अगर कोई वो डांटेंगे तो आई एम श्योर वहाँ जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी थोड़ी तो No. I am any which way a big challenger in myself. I don't want to go to Big Boss house. No. Good. I am very busy in Amrapali. Thank you. Bye guys. Thank you. इकड़े 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 इकड़े
थैंक यू मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज मिड डे के लिए मुझे इनवाइट किया गया है एंड आई होप आई गेट अ ट्रॉफी टुनाइट बहुत कम अवार्ड्स है जो मैं अटेंड करती हूँ आई गॉट अ GQ ट्रॉफी सो आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड देन रेड एफएम एंड नाउ दिस वन एंड माय अपोलॉजीज टू द मीडिया कि मैं थोड़ी लेट आई बट आज तो बिग बॉस का ग्रैंड प्रीमियर था ना तो मनारा की वाइब तो ज़रूरी थी आई हैड टू गो लाइव सो दैट्स द रीज़न आई गॉट लेट एंड सो अपोलॉजीज फॉर दैट बट I hope you are going to enjoy the new season of Big Boss. Well, Big Boss ke to baat aayi gayi hai to host Anil Kapoor hai aur you have to say are you excited for Anil Kapoor sir? I am so looking forward. In fact, I just went live and I think Anil sir is looking terrific the way he is interacting with all the contestants and you know welcoming them with such a in his own jhakas manner so I have all the respect for Anil sir and when I was in the house I got an opportunity to sing for him so I'm very excited and I hope my new song is coming on the 27th naya gana aa raha hai so I hope hum kuch acha collab kare Big Boss ke saath are you going to miss Salman I always miss Salman sir I think he's always been my mentor and even when I was coming out of the house on the final day I'm very blessed that I got to see the final day at the house and he gave me such amazing tips and now I am trying to incorporate and imbibe all the tips which he gave me and he is my mentor forever so I'm definitely missing Salman sir but I think Anil sir, we cannot deny the fact he has also got his own vibe. Big Boss is one platform जिसने मुझे आप सबसे इतना ज़्यादा करीब कर दिया है तो I think Big Boss is like a home ground and whenever they will call me, I'll always be there. Like how I was in the opening and I feel honored that they chose me to you know go live on the opening day. Thank you. आपके लेफ्ट में
मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मैं मिड के काफ़ी अवार्ड्स में आई हूँ, बट मैं शो भी से पहली बार आ रही हूँ. सो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड एक्साइटेड टू मीट ऑल दी अदर एक्टर्स ऑल्सो. एक्साइटेड टू गो इनसाइड एंड मीट ऑल ऑफ देम एंड कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम. थैंक यू. I'm very excited when I think it's a pat on the back of every artist to, you know, be recognized for their work, and I'm very grateful. Thank you. क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ब्रदर, पर जी जान लगाते हैं जितनी हो सकती है. थैंक यू. Thank you. Interview. A very quick one, please. Yeah, please. गुड टू सी सर, बहुत तगड़ा कमबैक किया आपने और आपको अवार्ड से भी नवाजा जा रहा है कमबैक की तरफ. किरदार भी बहुत तगड़ा है. मैं आपसे जानना चाहूँगा, यदि आपके किसी किरदार को अभी इस कमबैक के दौरान अगर किसी अवार्ड को नेशनल अवार्ड मिलता है तो आपकी क्या फीलिंग है, एक्साइटमेंट होगी? अगर नॉमिनेट हुआ तो ऑफकोर्स बहुत एक्साइटमेंट तो होगा ही. यू नो, इतना लंबा ब्रेक लेने के बाद, यू नो, टू बी एक्नॉलेज्ड इज एंड गेट दिस वार्म वेलकम इज ऑलवेज वेरी स्पेशल एंड वेरी हार्ट वार्मिंग. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. सर रुक जाना फोटो. सर यहां पे देखिए फोटो. चौधरी जी पार्टी ना पे मैम ब्रो टर्न कीजिए. मैम स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट. मैम मैम देखो प्रियंका जी सामने है. प्रियंका जी
Hi. Good to see you guys. I think हर एक्टर अपने लिए अवार्ड देखता है एक्टिंग के मायने से ही कि उसको एक बेस्ट एक्टर होने का ही अवार्ड मिले. सो डेफिनेटली मैं भी उसी नज़र से ही देखती हूँ. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वन ऑल्सो. इवन हाँ मुझे भी काफ़ी यूनिक लगा था एंड आई वॉज क्वाइट नर्वस कि यार मैं कैरी कर पाऊँगी, बट देन आई वॉज लाइक कि मीडिया वाले तो अपने ही लोग हैं, कैरी कर पाऊँगी. सो आई जस्ट वोर इट. सून यू विल गेट टू नो, बट अच्छा ही है कुछ. विद अंकित देयर इज अ म्यूजिक वीडियो कमिंग सून. ऑल्सो प्रियंका, यू नो आप हो और बिग बॉस की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. आज प्रीमियर होने वाला है और अनिल. पर ऐसा हो क्यों नहीं सकता? आपको क्या कहना है अनिल कपूर सर के बारे में? ओह यस, आई सॉ द प्रोमो एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि यार अनिल सर की एनी वेज पर्सनैलिटी ऐसी ही है, झक्कास. तो डेफिनेटली मुझे लगता है काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा देखने में भी. सो या थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. अनुष्का आपके लैप. अनुष्का यहाँ पर. मुझे ब्रेकआउट स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है एंड ये दिल दोस्त डिलेमा की वजह से मिला है. सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दिस अवार्ड, क्योंकि हम जब एक शो करते हैं उसके बाद अगर लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोगों का प्यार इतना मिला है, उसके बाद अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड स्पेशली मिड डे की तरफ से जो इतना एक एस्टीम्ड यू नो न्यूज़पेपर है एंड मीडिया हाउस है, उन्होंने इतने अच्छे से मुझे अवार्ड दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. There's so many things in pipeline that I cannot talk about, but there's something coming up very soon and I'm so so excited to talk about it, but I cannot right now, but just stay tuned. Social media pe aapko bahut zyada buzz bana hua hai, aap pages pe dekh ke follow karte hain, you know bahut zyada India ko represent karte ja rahe ho, kya kehna hai, kis tarah ka experience उससे बड़ी फीलिंग कुछ है ही नहीं कि आप अपने कंट्री को कहीं रिप्रेजेंट करते हो, दैट टू इंटरनेशनली. एंड मीडिया की तरफ से इतना प्यार मिला है, लोगों की तरफ से हमेशा बहुत ही प्यार मिला है मुझे बचपन से. एंड मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे जाकर भी इंडिया का नाम और रोशन करूँ और आगे बढ़ूँ एंड सबको प्राउड फील करवाऊँ, नॉट ओनली बिकॉज आई एम एन एक्टर बट ऑल्सो बिकॉज आई एम एन इंडियन. सो या दैट्स ऑल. अभी तो अच्छा मेरे फ्रेंड्स में से तो अभी कोई नहीं गए हैं, बट आई वुड वांट टू विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट, क्योंकि उन्हें विशेज़ की बहुत ज़रूरत है. स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. आई जस्ट वांट टू से ऑल द बेस्ट. या आई होप ही डज वेल. थैंक यू. थैंक यू. Go left side, center, now left look.
ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ एंड मैं बट बहुत जल्दी देखूंगी आप सबको। अगर बात करें आज का वन नाइट स्क्रीन तो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, किस चीज़ के लिए आज आप नॉमिनेट हो रहे हैं? मैं आइकॉनिक एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड हूँ एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे अभी तक लोग बहुत प्यार करते हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। जी मेरे को भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है एंड मैं उस टाइम बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई थी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। थैंक यू। बड़ा औहदा ही नहीं है एक आर्टिस्ट के लिए जो उसको मिल सकता है, और अगर मुझे मिलता है तो जैसे नीरज चोपड़ा को फील हुआ था ना वो ओलंपिक फेंकने से पहले, वो जैवलिन फेंकने से पहले, तो वैसा ही मुझे भी फील होगा एंड आई थिंक मुझसे लकी इंसान कोई होगा नहीं उस दिन, तो दैट विल बी इट। मैं ऑनेस्टली एक्सपेक्ट करने वाला आदमी हूँ नहीं एंड दैट इज़ वाई आई चूज़ मुंजा, और कितना प्यार मिल रहा है वो शायद मैं कभी बता ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि जो कुछ भी मिल रहा है वो सिर्फ प्यार से ही मिल रहा है एंड एक आर्टिस्ट के लिए उससे बड़ी देयर कांट बी एनी अल्टीमेट थिंग देन दैट, तो वही पब्लिक वैलिडेशन के लिए ही हम काम करते हैं एंड व्हेन दैट कम्स नथिंग लाइक इट। भाई जब हम लोग बात करें प्यार की, इंडस्ट्री से अगर बात करूँ, किसका एक ऐसा मैसेज था, किसका एक ऐसा प्यार जो आपको बहुत प्यार लगा इंडस्ट्री की अगर बात करें? अरे यार बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया है, करण जौहर सर जो मतलब ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द कोर्स ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, कभी खुशी कभी गम से लेकर अभी रॉकी रानी तक, तो उन्होंने जो जैसे इवॉल्व किया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, ही इज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो जब वैसे पर्सनैलिटी आपकी क्राफ्ट में आपके परफॉर्मेंस में बोलते हैं दैट यू आर फिनोमिनल एंड दे रियली लुक फॉरवर्ड टू व्हाट आई डू नेक्स्ट, आई मीन वो कॉम्प्लीमेंट मतलब सर माथे पे रखने वाली बात है। एंड फ्रॉम हिम वो टू अ 5-year-old गर्ल जिसको मैं थिएटर में मिलने गया और उसने अपने गले की चेन मेरे को उतार के और मुझे पहना दी, तो आई थिंक ये दो चीज़ें हैं जो कि बहुत ही स्पेशल हैं एक आर्टिस्ट के लिए, और सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक अगर दिल छू सकते हैं तो मतलब इससे बड़ी कोई जॉब हो ही नहीं सकती दुनिया में। तो मैम आई बिलीव इन सरप्राइजेज एंड आई वुड श्योरली लाइक टू सरप्राइज द ऑडियंस, बट हैविंग सेड दैट मुंजा इज़ नॉट अभय वर्माज विन, मुंजा इज़ एवरी अदर एक्टर्स एवरी अदर प्रोड्यूसर्स विन जो कि कोशिश कर रहे हैं कुछ नया करने के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम एबल टू यू नो बी द फ्लैग बेरर ऑफ एनीथिंग एक्सपेरिमेंटल विच हैज़ वर्कड इन द सिनेमाज, क्योंकि थिएटर पर लाना ही बहुत बड़ी एक टास्क हो गया है ऑडियंस को
एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे ये कर पाया एंड अगर मैं उस चीज़ का फेस बन सकता हूँ देन आई मीन नथिंग लाइक इट. यार ऑनेस्टली मैं इस तरीके को वैसे सोचता नहीं हूँ. आई बिलीव इन वी ऑल आर वर्किंग टू एंटरटेन द ऑडियंस. तो अगर वो हम किसी भी तरीके से कर पाएँ, हम एक यार मिक्स फ्लावर्स का बुके हैं हम सब आर्टिस्ट. तो वो ऑडियंस को प्रेजेंट करना है, तो किसी भी ऑडियंस को कुछ भी फ्लावर पसंद आए तो वो अपने हिसाब से पिक कर ले. एंड आई थिंक अच्छे कॉन्टेंट की जीत है. सो आई बिलीव सब पिक्चरें चलनी चाहिए यार, और सबको ऑडियंस को अपना अपना वो मिलना चाहिए जो उनको चाहिए फिल्म्स के थ्रू. थैंक यू. राइट भेड़िया का हाँ टीजर दिखा था. करेक्ट सॉरी फिंगर्स क्रॉस. श्रद्धा कपूर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन एंड फेवरेट एक्टर ऑल्सो. तो अगर उनके साथ अगर काम करने को मिल जाए तो नथिंग लाइक इट. आई थिंक वो एक और लेवल होगा जो हम सरपास कर जाएंगे. सो आई बी एक्साइटेड फॉर दैट. आई बी एक्साइटेड. ओ बाप रे. नथिंग आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट आई कंप्लीट यू एंड यू कंप्लीट मी एंड दैट इज़ ऑल. आपसे मैं हूँ और आई थिंक देयर इज नथिंग मोर देन एन आर्टिस्ट कैन आस्क फॉर. और आपने वो सब दे दिया है मुझे एंड आई बिलीव एंड आई रियली होप कि आगे जो भी करूँ आई प्रूव टू बी वर्दी ऑफ योर लव. दैट्स ऑल. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि मिड डे जो है बहुत ही प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन है एंड मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिल रहा है. सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट बिकॉज यू नो माई मूवी सावी जस्ट रिलीज. आप सबने देखी होगी. बहुत बहुत प्यार मिला मुझे उसके लिए ऑडियंस से और मीडिया से. सो आई एम जस्ट थैंकफुल एंड दिस अवार्ड मीन्स अ लॉट टू मी बिकॉज आई नो कि इसके पीछे मेरी बहुत सालों की मेहनत है. मैं दोनों में कंफर्टेबल होती हूँ. इट टोटली डिपेंड्स कि आपका यू नो आपको क्या पहनने का मन है. तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं, आजकल लड़कियाँ सब पहनती हैं. दिव्या मैं आपसे ना जाऊँ, आपके जर्नी में सावी जैसा एक बहुत बड़ा किरदार आपके साथ जुड़ा है. आगे की अगर फिल्मों की बात करूँ तो किस तरीके के कैरेक्टर को अब आप एक नए तरीके से बिल्ड करना चाहते हैं? आई थिंक जो मुझे चैलेंज करे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ. मैंने यारियाँ भी जब की तो यारियाँ जो में मेरा किरदार एक क्यूट बबली लड़की का था एंड सबको बहुत अनबिलीवेबल लगा जब मैंने सावी की क्योंकि उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग यू नो जैसे उसकी जर्नी रहती है सावी की वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक हाउस वाइफ के अंदर कितनी स्ट्रेंथ होती है वो आती है. तो आगे भी जो किरदार चुनूँगी वो जो चैलेंज मुझे करे और जो बिल्कुल अलग हो और जिस रूप में मैं मेरे को पहले ना देखा गया हूँ. क्या मैम उनमें से कोई किरदार आपको नेशनल अवार्ड तक लेके जा सकते हैं? मैं कहना चाहूँगी मेरा पहला बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड है. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लगी रहती हूँ और मेहनती हूँ. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है. कभी ऐसा नहीं होता कि आपकी मेहनत वेस्ट जाए. वो मैं अपने डायरेक्टर से पूछती हूँ. थैंक यू. थैंक यू. मैम फिर क्या मैम आप देखिए आप एक बार प्लीज.
This is my first time at Midday Awards, but yeah, I'm really excited to see everyone inside. My friends are waiting for me. Yeah. बहुत खुशी होती है यार, यू नो व्हेन यू पुट इन सो मच एफर्ट इन अ प्रोजेक्ट, ब्लड स्वेट टीयर्स एंड पीपल आर लविंग योर वर्क एंड स्पेशली लाइक इन द आर्चीज पीपल लव मी एज जैकेट एंड आई वाज रियली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल फॉर दैट, ग्रेटफुल टू जोया फॉर दैट. सो या इट वर्कड आउट फॉर मी रियली वेल. अवार्ड तो जनता देती है अप्रिसिएशन से. ये अवार्ड वो परफॉर्मेंस, वो मेहनत की रिकॉग्निशन होती है जिसके लिए आई थिंक एवरी आर्टिस्ट इज़ वेटिंग फॉर. तो अच्छा लगता है जब हमें सराहा जाता है, प्यार दिखाया जाता है और परफॉर्मेंस अप्रिशिएट करते हैं. एक रिकॉग्निशन है, अच्छा लगता है जब वो रिकॉग्निशन होता है. I would love it. No, I don't yes, think so. Yes, yes, say yes. नहीं नहीं नहीं, मैं मम्मी ठीक हूँ. थैंक यू. That's it.
my daughter. यंग किरदार की तरफ मैं जाने वाला हूँ, नहीं नहीं मैं क्यों जाऊँगा, पर मेरी जितनी उम्र है उसी हिसाब से काम करूँगा। अवार्ड जो भी होता है ऑफकोर्स आपको अप्रिशिएट करने के लिए, आप मोटिवेट करने के लिए होता है ऑफकोर्स, और अच्छी बात है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होते हैं, विच इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है। और मैं मिड डे का यही कहना चाहूँगा, जो क्रेडिबिलिटी इन्होंने बना रखी है वो आगे कंटिन्यू रखें, वो तो वेल एंड गुड। फिल्म के पीछे जो ये बहुत बहुत बड़ी भूमिका होती है उनकी, अहम भूमिका, और स्क्रीन प्ले तो नो डाउट बहुत बड़ी बात होती है। स्क्रीन प्ले तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे और हमें और स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि स्क्रीन प्ले ही मतलब पूरा कैसे दिखेगी फिल्म, कैसे जाएगी, वो निर्भर होता है उसके ऊपर, स्क्रीन प्ले के ऊपर। बहुत सारे फेवरेट राइटर्स हैं, भावेश एक राइटर हैं, और अनुराग हैं, अमेजिंग राइटर है, और बहुत सारे राइटर्स हैं हमारे कंट्री में, तो बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं। हाँ, स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता। किनको? कोई काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, बट वो उससे डिमोटिवेट होके आ रहे हैं काम करना, कुछ लोग बंद कर देते हैं, कुछ लोग प्रयास करते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। आपको ये बहुत सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म आ गए हैं, और कंटिन्यू रखना चाहिए, जज्बा रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, मैं तो ये अपने एक्सपीरियंस से यही कह सकता हूँ, और डेफिनेटली आज नहीं तो कल ज़रूर मिलती है सक्सेस। ये बहुत अच्छा लगता है जब एक इतना नामचीन न्यूज़पेपर और एक ऐसी डेली जो हर कोई पढ़ता है न्यूज़ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, और हमारे देश में जो भी चल रहा है उन हर चीज़ों के लिए। एंड आई एम सो ग्लैड कि जब मिड डे ने मुझे फ़ोन किया कि वो मुझे मराठी सिनेमा के कंट्रीब्यूशन के लिए नवाजना चाहते हैं, तो आई वाज़ वेरी वेरी हैप्पी, एंड आई एम हियर टू यू नो एक्सेप्ट दैट अवार्ड एब्सोल्युटली ग्रेशियसली, सो थैंक यू सो मच। हाँ जी, भाई कश्मीर महाजन ही गया हुआ है, एंड वो मेरा दोस्त भाई सब कुछ है, एंड मुझे आज ऐसा पता लगा है, क्योंकि आज ही मेरी उससे बात हुई कि
बेचारे के स्टंट्स थोड़े 19-20 चल रहे हैं, सो आई वॉन्ट टू गिव हिम ऑल द लक एंड लव दैट ही डिजर्व्स बिकॉज ही इज द बेस्ट और वो जीतेगा बस, है ना, बस वो कैसे भी तो निकल जाए और विनर हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शिल्पा भी है, यस यस ऑफ कोर्स, वेल विशिंग हर ऑल द बेस्ट, शी इज एब्सोल्युटली एंटरटेनिंग और बहुत कमाल का करती है वो जो भी करती है वो। अरे भाई मेरे को कुछ भी पता नहीं है, इट्स ग्रेट यार, आई थिंक एक एक लेजेंड के बाद दूसरा लेजेंड उसे होस्ट कर रहा है और क्या ही चाहिए। I shall let you know, there are people waiting in queue. Now everybody gets to watch it on television. Tanuj is a very, very nice friend, and I've known him for so many different years. We love and him. He's very goofy, yeah. As you've seen. He's very fun, and it's exciting to have a nice partner. What kind of collaboration? We're collaborating tomorrow. She's in Delhi. I'm performing and she's hosting. We're collaborating. I'll bow now. Bye guys. इधर यो ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि अवार्ड का मतलब होता है जो उसने अभी तक का काम किया है या जो भी काम किया है उसको सराह रहे हैं अवार्ड देके। या मुझे क्या पता, उसके लिए तो मैं आई हूँ, थोड़ा सरप्राइज तो रहने दो। वेल आई थिंक मेरे फुल लुक के पीछे मेरी जो टीम है, मेरी स्टाइलिस्ट विभूति, मेरे हेयर एंड मेकअप पीपल, उनका हाथ है एंड इट्स ऑल थैंक्स टू देम दैट दे मेक मी लुक द वे आई एम। वेल आई एम इन टॉक्स काफ़ी प्रोजेक्ट्स को लेके, बट एज सून एज समथिंग गेट्स लॉक्ड आई विल डेफिनेटली, अगर सच में हो रही है देन आई वुड, अच्छा हो रही है माशाल्लाह, सो कंग्रेचुलेशंस टू सोनाक्षी एंड ज़हीर। ओके थैंक यू, थैंक यू। इधर से इधर यो I'm second mark.
We're collaborating tomorrow. She's host. Yeah, in Delhi. I'm performing and she's hosting. We're collaborating. जिन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया और बेस्ट लाइव एक्ट का मुझे अवार्ड मिल रहा है बिकॉज मैं साल में 365 दिन में एटलीस्ट 300 शोज करता हूँ लाइव, तो इसलिए मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। आई एम थैंकफुल टू मिड डे। बहुत शुक्रिया आप सभी का भी, आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ जी, कुछ बोलना है क्या? पूछो। दिस माई फर्स्ट टाइम एट मिड डे अवार्ड्स, बट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी एवरीवन इनसाइड। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी। या बहुत खुशी होती है यार, यू नो व्हेन यू पुट इन सो मच एफर्ट इन अ प्रोजेक्ट, ब्लड स्वेट टीयर्स, एंड पीपल आर लविंग योर वर्क, एंड स्पेशली लाइक इन द आर्चीज पीपल लव मी एज जगहेड, एंड आई वॉज रियली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल फॉर दैट, ग्रेटफुल टू ज़ोया फॉर दैट। So yeah, it worked out for me really well. Thank you.
अगर आप ये सवाल मुझसे 6 महीने पहले पूछ रहे तो आई डोंट थिंक कि मेरा जवाब होता, सॉरी आई डोंट थिंक कि 6 महीने पहले मेरा जवाब होता कि मैं होस्टिंग करता, बिकॉज मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा होस्ट करने का, बट स्पिसुला और MTV मेरे पास आए एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, तो मैं बहुत खुश हूँ. आज मैं नॉमिनेटेड हूँ बेस्ट एक्टर के लिए. मैंने पिछले साल एक शो किया था बजाओ करके, तो देखते हैं अंदर जाके क्या होता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Right corner.
मैं जब यहाँ आया तब मुझे भी नहीं पता था कि ये स्टार स्टडेड इवनिंग में एक आम आदमी के लिए क्या जगह रहेगी. बढ़िया व्हेन दे अनाउंस इट एज अ आइकॉनिक ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर. कोशिश करते हैं छोटा छोटा काम करें टूवर्ड्स मैनकाइंड एंड इफ इट्स बीइंग एक्नॉलेज्ड एट दीज प्लेटफॉर्म्स इट्स अ प्लेजर. थैंक्स थैंक्स. मैडम नीचे एक सेंटर में. मैडम नीचे. मैडम लेफ्ट साइड में. मैडम
मैम यहाँ पे मैम मैम नीचे तो यहाँ पे और मैं अपने ब्रांड को यहाँ लेके आई हूँ. सो द ब्रांड इज़ कुकी डो और मैं उसकी एक शेफ हूँ. मोर देन द ओनर आई एम द शेफ ऑफ दिस ब्रांड. सो आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस टू एवरी वन द कुकी डो. Excited. Actually, I'm going to be awarded as the best celebrity astrologer of Bombay, and I'm really excited. I just got an award 10 days ago, and this is my third award. So yeah, I'm thanking Midday for inviting me for this, and yes, I'm excited. Thank you so much. Thank you. Sixth session basically, so it's all for the best for entire media midday teams. For Sabina, she has an approach, and they are doing the hard work. It's all the best. Sir, it is a sixth session, na? So it should be a success. और सर क्या-क्या projects हैं अगर कुछ share करें आप हमारी office? अभी अंदर जाऊँगा तो मालूम पड़ेगा ना. आपकी क्या-क्या projects हैं? जब टाइम आएगा तभी सर कुछ शेयर करना चाहेंगे? कुछ नहीं, मिडडे के अवार्ड्स है. इट्स वन ऑफ दी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स और रानी सर को अवार्ड दिया जा रहा है, मुझे भी सम्मानित किया जाएगा. तो डेफिनेटली इट्स हाई पॉइंटिंग आगे आ रही है करियर और अच्छा लग रहा है. अभी आगे देखते हैं कैसा होता है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैम मार्क करिए ना.
First of all, I am excited to be at Midday because Midday is iconic and this is Midday Showbiz Icon Awards. So it's a pleasure to be part of it. I'm going to be meeting a lot of talented people from the industry and yes, looking forward for a entertaining show. Thank you so much. Thank you.